हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोबारा ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने पहले कुछ टाइम पहले मतलब DSSB पर अवमानना की पेटीशन लगाई थी कि उन्होंने क्या किया है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है। इसके बाद अब DSSB ने जवाब दिया उस चीज पे, और वो जवाब मैंने बताया था कि DSSB ने बताया था कि काफी जैसे रिजल्ट होते हैं, काफी मतलब उनका मेडिकल होता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से वैकेंसीज नहीं निकाल पाए। ये चीज मैंने बता दी वहां पे। इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता वो टीचर है बनेंगे क्या बनेंगे। अरे सबसे पहले इंसान बनो। कुछ लोग ऐसे हो उनमें बोलने का सेंस नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं कहाँ बोल रहे हैं। यार ऐसे शिक्षक, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपके जैसे शिक्षक बन गए ना तो रियली बता रहा हूं देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। शिक्षक से पहले ना इंसान बनो। आप अपनी लैंग्वेज देखते हैं क्या लैंग्वेज है। और रही बात बोलने की, बोलने का ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बात यह आती है कि सेंस, और ये नहीं कि मुंह उठा के कहीं भी भौंकने लगे आप, तो ये सारी चीजें गलत होती हैं। इंसान बनो सबसे पहले। और ये प्रूफ मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि काफी ऐसे बंदे हैं, दो चार ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए देखो जो सही लोग हैं वो मुझसे प्रूफ नहीं मांगते, दे बिलीव मी। लेकिन अब मैं प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूं, और अपने ना आसपास देख लेना, आपको शायद समझ आए नहीं आए, किसी से पूछ लेना कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रखा है, और ये श्री विनय भूषण जी जो है ये डायरेक्टर हैं DOE के, अगर नहीं पता है तो पूछ लेना। इसके बाद इन्होंने ये जो ये एफिडेविट है ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, दैट आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एज डायरेक्टर जो DOE में है ये है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो इन्होंने अपना व्यूज दिया वो देख लीजिए। तो अभी जो इन्होंने जवाब दिया है उसका आप मीनिंग देख लीजिए पहले। एज देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड DSSB रिक्रूटमेंट विल टेक सम टाइम, एज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ DOGR फ्रॉम DSSB एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉलोज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विच टेक्स अबाउट 6 months बिफोर द कैंडिडेट ज्वाइन द पोस्ट। तो इसके बाद इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने पूरी प्रोसेस बता दी कि ये इन वजह से टाइम लगता है, और 6 month का टाइम लगभग लग जाता है, कब तक ज्वाइनिंग तक। इसके बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी सेवा को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यार हैं, और आपको अगर लगता है और भी चीज तो आप व्हाट्सएप करके पूरी PDF ले लो, स्क्रीनशॉट और दिखा दूंगा मैं। बट ये नहीं कि यार किसी को कुछ भी बोले, क्योंकि मैं यहां पे ये नहीं कि आपका कोई नौकर हूं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली बात करें, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। और मैं आपसे ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। और आपको कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको बहसबाजी करनी है, कुछ फालतू बोलना है, नंबर पे आप कॉल करें मैसेज करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां फालतू बकवास ना करें। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होंगी बातें। फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार बता देना, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना, आपसे बात कर लूंगा पर्सनली। ठीक है, फिर मैं आपको देखता हूं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है।